स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 12.1 आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन वैल्यू। नीचे जो भी एक्सप्रेशन है आपको उसका टर्म्स और फैक्टर्स को फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट, हियर इज वन एक्सप्रेशन। हियर आई हैव टेकन टू एक्सप्रेशन एंड आई हैव टू फाइंड आउट टर्म्स एंड फैक्टर्स। हियर स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। टर्म इज 2 माइनस 4x एंड 5। नाउ अब हमें इसके अंदर से दोनों में से फैक्टर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। माइनस 4x में माइनस 1, 4 एंड x, तीनों क्या है फैक्टर है माइनस 4x के। 5 का फैक्टर क्या होगा 5 एंड 5, 5 एंड 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जो भी रिमेनिंग सम है वो इन टू सम्स के बेस के ऊपर ही है, वो आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर कितने टर्म है? नाउ स्टूडेंट हियर इज 3 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो आई विल राइट हियर 1.2ab माइनस, माइनस आपको साथ में लेना है स्टूडेंट, सेकेंड टर्म माइनस 2.4b एंड 3.6a। नाउ इसके फैक्टर क्या होंगे 1.2a एंड b, इसके फैक्टर क्या होंगे माइनस 1, 2.4 एंड b, इसके फैक्टर क्या होंगे 3.6 एंड a। आपको दो सम समझ में आ गया? अगर ये दो सम आपको समझ में आ गया तो बाकी के सम इन दो सम के बेस के ऊपर ही है, बेस है और आप यह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जी ऑफ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3/4x प्लस 1/4। आपको टर्म्स एंड फैक्टर को डिफाइन करना है। ओके दिस इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। नाउ आई एम राइटिंग हियर 3/4x फर्स्ट टर्म एंड 1/4 सेकेंड टर्म। अब आपको फैक्टर डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 3/4 एंड x, दिस टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। नाउ 1/4 एंड 1, दिस टू आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर एच एच इज 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स फैक्टर पहले डिफाइन कर दीजिए, 0.1 p स्क्वायर वन फैक्टर हो गया, दिस इज सेकेंड फैक्टर, 0.2 q स्क्वायर। नाउ अब इसके फैक्टर लिखेंगे या हमने टर्म को डिवाइड किया, फैक्टर क्या आएगा 0.1 p स्क्वायर 2, p 2 टाइम्स है, सो आई विल राइट p एंड p, 0.2 पहले लिखेंगे देन q स्क्वायर, इट इज इंडिकेटिंग q इज 2 टाइम्स, सो आई विल राइट q 2 टाइम्स। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस टर्म। ओके स्टूडेंट लेट अस सी नेक्स्ट टर्म। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टूडेंट हियर आई हैव टेकन सम सम एंड वी हैव टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किसका निकलता है स्टूडेंट, इफ आई एम राइटिंग एक्स तो एक्स के आगे जो 3 हो या फिर m हो, कोई भी n हो, उस वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा होता है ये आपका कोएफिशिएंट होता है। वो x के फॉर्म में हो सकता है, आइदर स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, x की जगह पे y भी हो सकता है, कोई भी एबीसीडी जेड तक का नंबर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, 5 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एबीसीडी टी नहीं है, यहाँ पे 3t स्क्वायर है तो माइनस 3t स्क्वायर में कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट माइनस 3 है। नाउ सेकेंड सम,
वर्म के पास वर्म डोंट हैव एनी वेरिएबल, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल है टी, टी स्क्वायर एंड टी क्यूब। टी का क्या है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है मतलब वन, टी स्क्वायर का भी कुछ नहीं है मतलब वन, टी क्यूब का भी कुछ नहीं है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वन। नाउ थर्ड नंबर एक्स, एक्स का क्या है वेरिएबल वन, टू एक्स वाई, सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, थ्री टर्म है, तीनों टर्म का हमें वेरिएबल फाइंड करना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है इसका, टू। नाउ वाई का कितना हो गया थ्री वाई, कोएफिशिएंट थ्री। नाउ स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट टू टर्म्स है, हंड्रेड एन प्लस थाउजेंड एन, थाउजेंड एन। नाउ एन इज अ वेरिएबल, उसकी आगे की वैल्यू जो होगी वही हमारा कोएफिशिएंट है हंड्रेड। नाउ थाउजेंड एन का एन वेरिएबल है तो थाउजेंड क्या हो गया कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर फाइव टू टर्म्स है p स्क्वायर एंड q स्क्वायर एंड सेवन pq। नाउ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे,